एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक। तो आज हम बात करने जा रहे हैं नोएडा के सुपरटेक ट्विन टावर्स के बारे में, जो कि अब नहीं रहे। कल 2:30 बजे इसको डेमोलिश कर दिया गया। तो आइए जानते हैं थोड़ा सा ट्विन टावर्स के बारे में और क्यों इसको डेमोलिश करना पड़ा। ये जो कोलैप्स था ये सिर्फ 9 सेकंड्स का था और 9 सेकंड्स में लिटरली वो जो एक्सप्लोसिव था उसने पूरी बिल्डिंग को, दोनों बिल्डिंग्स को गिरा दिया और करीब 12 मिनट डस्ट को सेटल होने में लगे। सो दिस वाज ऑल द सिनेरियो अबाउट द एक्सप्लोजन। ओके, जो ये सुपरटेक कंपनी का नाम है जिन्होंने ये ट्विन टावर्स बनाए थे नोएडा में, और इनकी जो हाइट थी वो कुतुब मीनार से भी ज़्यादा ऊंची थी। और जैसा कि मैंने बोला कल 2:30 बजे इनको देवर रेज टू ग्राउंड। इनको डेमोलिश करने में 3700 किलोग्राम्स ऑफ एक्सप्लोसिव लगा है, करीब 20 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। तो और ऑब्वियसली खुद जो कंपनी है सुपरटेक, उनको ही ये करना पड़ा है एट देयर ओन एक्सपेंस। अब ट्विन टावर्स जो थे इनको डेमोलिश क्यों करा गया, यही क्वेश्चन है जो सबके दिमाग में उठ रहा होगा। तो इसके कुछ रीजंस थे, वो मैं डिस्कस कर लेती हूँ। सबसे पहले जो इसका डेमोलिशन है उसका ऑर्डर दिया गया था सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। क्यों? क्योंकि जो इसका कंस्ट्रक्शन है वो माना गया था कि ये अगेंस्ट जो रूल्स हैं, अगेंस्ट नॉर्म्स हैं। इन्होंने जो सोसाइटल नॉर्म्स होते हैं उसको वायलेट करते हुए ये दोनों जो टावर्स थे इनको कंस्ट्रक्ट करा था। जब ये सोसाइटी सेंक्शन करी गई थी तब बोला गया था कि 14 टावर्स रखेंगे, यानी कि 14 बिल्डिंग्स बनाई जाएगी विद 9 फ्लोर्स ईच। लेकिन ये प्लान रिवाइज करा गया बिल्डर के द्वारा और 40 फ्लोर्स बनाए गए एक बिल्डिंग में। जिस जगह पे वो दोनों टावर्स बनाए गए हैं वहाँ बोला गया था कि यहाँ एक गार्डन होगा फॉर सोसाइटी और पूरा ग्रीनरी रहेगी, सोसाइटी के लोगों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये सब हुआ था, लेकिन फिर भी बिल्डर ने प्लान को रिवाइज़ करते हुए 2 बहुत ही ज़्यादा हाइट के टावर्स को खड़ा कर दिया विदाउट द परमिशन ऑफ द पीपल लिविंग देयर। जो पीछे जो आपको फ्लैट्स दिखेंगे जब आप इसका फ़ोटो देखोगे वो भी सुपरटेक के ही हैं, लेकिन उनसे कोई कंसेंट नहीं लिया गया था जब ये बिल्डिंग का जो प्लान था वो रिवाइज़ करा गया। फिर क्या हुआ, जो वहाँ के रेजिडेंट्स थे उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील डाली कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये इलीगल है, और जो सुपरटेक कंपनी है वो अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ाने के लिए ज़्यादा फ्लैट्स बना रही है नॉर्म्स को वायलेट करते हुए। क्योंकि जब इतनी हाइट की बिल्डिंग्स होगी, वो भी मिनिमम डिस्टेंस भी उन्होंने नहीं रखा था, तो अगर कुछ भी नेचुरल डिज़ास्टर होता है तो बहुत ज़्यादा लोगों को दिक्कत होती विद दीज टावर्स। तो उन्होंने बोला कि इन्होंने किसी भी चीज़ का ध्यान नहीं रखा है, हमसे कंसेंट नहीं लिया है और ये जो कंस्ट्रक्शन है ये इलीगल है। फिर अकॉर्डिंगली 2014 में कोर्ट ने बोला कि इन टावर्स को डेमोलिश करा जाए 4 महीने के अंदर अंदर। लेकिन फिर सुपरटेक गया सुप्रीम कोर्ट में, सुपरटेक ने उधर अपील डाली कि ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन जैसा कि ये बहुत अपेरेंट था कि हाँ जो टावर्स बने हैं वो सोसाइटल नॉर्म्स के अकॉर्डिंगली नहीं हैं, वो वायलेट कर रहे हैं नॉर्म्स को, रूल्स को, और दे कैन बी प्रूवन एज अ हैजर्ड इन सम सिचुएशन व्हेन सम नेचुरल डिज़ास्टर हिट्स द सिटी। तो इसी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने सुपरटेक के अगेंस्ट ही अपना वर्डिक्ट देते हुए बोला कि टावर को डेमोलिश करना ज़रूरी है, और उन्होंने बोला कि विद इन 3 मंथ्स ये टावर डेमोलिश करे जाएँ। और ऑब्वियसली सुपरटेक को अपने ही एक्सपेंस पे करना था, लेकिन क्योंकि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोसिव चाहिए था इसमें तो थोड़ा टाइम लग गया केमिकल्स को प्रिपेयर करने में और चीज़ें, और 1 साल लग गया बेसिकली। और फाइनली अब नोएडा के लोगों ने, इस सोसाइटी के लोगों ने जाके चैन की सांस ली है। सो दिस वाज ऑल द मैटर, इसीलिए ट्विन टावर्स को डिमोलिश करा गया है। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक इट प्लीज़ गिव इट थम्स अप एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड आई विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन स्टे हैप्पी, हेल्दी एंड बाय।